नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर बात करी जाए प्रियंका गांधी की तो उनके ऊपर अब पार्टी से जुड़ी हुई कमा पैच। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर प्रियंका गांधी की बात करी जाए तो पार्टी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो डिंपल यादव से फोन पर बात करती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि डिंपल यादव अब सांसद हैं और सांसद के तौर पर वो इस बड़े मुद्दे को मंच से उठा सकती हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने भी ये संभावनाएं जताई थी कि आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव भी सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ यानी कि बीजेपी के खिलाफ जब कोई नेता बोलता है तो उससे जुड़े हुए 10 साल के, 15 साल के, 20 साल पुराने मुद्दों को उखाड़ लिया जाता है। आजम खान की उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है ये हम सभी जानते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो प्रियंका गांधी हैं वो डिंपल यादव को फोन कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं और ये भी कह सकती हैं कि आने वाले चुनाव में, चूंकि अगर सहानुभूति की बात करी जाए तो शायद कांग्रेस को इस तरीके का वोट बैंक मिलता हुआ नजर आ सकता है। मुस्लिम समाज उनके साथ काफी बड़े स्तर पर रहा है और आने वाले वक्त में भी मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ जा सकता है। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार कांग्रेस से दूरियां बना रहे थे, राहुल गांधी से जो है वो दूर दूर नजर आ रहे थे, क्या एक बार फिर से जो पॉलिटिकल रूप से अगर देखें, राजनीतिक रूप से देखें तो ये दोनों नेता साथ आ सकते हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि यूपी का एक विधानसभा चुनाव भी दोनों ने साथ साथ लड़ा था। तो तमाम ऐसे यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका इंतजार, जिनका जवाब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी टटोलने की कोशिश कर रही होंगी। साल 2022 का भी चुनाव जीतने की कोशिश प्रियंका गांधी ने काफ़ी की थी, लड़कियों लड़ सकती हूँ नाम का जो कैंपेन है वो चलाया था, लेकिन वो बेटियों को ये विश्वास दिलाने में नाकाम रही कि वो यूपी में अगर आती हैं तो बेटियों की सुरक्षा उनके हाथ में होगी और वो सुरक्षा दिला पाएंगी। हालांकि राजस्थान की अगर बात करी जाए तो वीरांगनाओं से जुड़ा हुआ जो मुद्दा उठा था उसमें प्रियंका गांधी की चुप्पी ने ये दिखा दिया था कि राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने में कांग्रेस जो है आगे है, लेकिन मुद्दे उठाने में, जनता के मुद्दों के लिए सड़क पर लड़ने में काफी पीछे है। अब कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर बताएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।